नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, लंबे खूबसूरत बालों की ख्वाहिश हर किसी की होती है। खूबसूरत बाल देखते ही बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन अगर बाल लंबे हैं लेकिन वे घने नहीं हैं, तब भी सुंदर ना दिखने की समस्या आती है। और अगर बाल घने हैं और वे छोटे हैं तो भी वे सुंदर दिखते हैं, लेकिन स्वस्थ और सुंदर बाल पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। इसके लिए आपकी दिनचर्या, आपके बालों का खास ख्याल और आपका विटामिन्स, प्रोटीन से भरा खान पान और प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन मिलने से आपके बालों की खूबसूरती बढ़ती है और बाल लंबे, काले और घने होते चले जाते हैं। आज मैं आपको पतले बालों को घना कैसे बनाया जाए और उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो का पता चल सके। दोस्तों, वैसे तो मेथी दाने को भोजन में या औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यह बालों की हर प्रकार की समस्या को हल करता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन आदि तत्व पाए जाते हैं जो जरूरी हैं। मेथी के दाने में निकोटिनिक एसिड पाया जाता है जो बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ उनको सिल्की टेक्सचर देने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ नए बाल उगाने में भी आपकी हेल्प करता है। इसके लिए आप 1 कप मेथी दाना लेकर उसको रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इसको किसी मिक्सी ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें। जब यह पेस्ट के शक्ल में आ जाएगा और इसे अलग रख दें। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट है जो आपको तैयार करना है वह है कैस्टर ऑयल में रात भर 1 चम्मच जीरा डालकर इसे भीगने के लिए छोड़ दें और सुबह इस कैस्टर ऑयल को छानकर जीरे से अलग कर लें। और अब इस कैस्टर ऑयल को मेथी दाने के पेस्ट में मिक्स कर लें। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट करने के साथ साथ उनको घने करने में भी आपकी हेल्प करता है। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई आपके बालों की जड़ों को सिल्की बनाता है और विटामिन ई आपके बालों को फिजी तथा डैमेज होने से रोकता है। और विटामिन ई एक ऐसी लेयर चढ़ा देता है जिससे आपके बाल जल्दी से डैमेज नहीं होते और उनके उनको बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। बालों पर पानी या बाहरी मौसम का असर नहीं होता। इस पेस्ट में विटामिन ई कैप्सूल भी डालकर मेथी दाने के पेस्ट को और कैस्टर ऑयल को आपस में सभी चीजों को मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को अपने बालों की रूट से लेकर टिप तक लगाएं और 2 घंटे के लिए अपने बालों को इसको लगा रहने दें और 2 घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लें। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों पर चढ़ाएगा जिससे आपके बाल फिजी डैमेज नहीं होंगे और बाल घने होते चले जाएंगे और बाल सिल्की होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और नेचुरल नुस्खा है लंबे बाल पाने का और अपने बालों को घने करने का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही कारगर नुस्खा, आप इसे अपनाइए, कीजिए और अपने बालों को एक सुंदर निखरा हुआ रूप दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा, नया उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।